महाराज जी व्यस्त होते हैं, नारियल नहीं पढ़ पाएगा फिर। हाँ, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ पाए महाराज जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, ये बहुत जानकारी से भरा हुआ वीडियो है। सात परिक्रमा लगाएं पीपल की और हनुमान जी के चरणों में रख दें। यहाँ का यही नियम है, यहाँ आकर के अपनी अर्जी लगा करके नहीं खाना चाहिए उसको, जो बीमार है। और जो अर्जी लग जाती है तो उसके बाद लहसुन प्याज नहीं खाती। बहुत से लोग अभी से नहीं, 1980 से इसकी प्रक्रिया चल रही है धूम्रपान पर। महाराज जी हमारे बहुत जय 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 दंत रउआ सरकार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम बाही। कहते हैं ददरऊआ धाम के दरबार में ये चौपाई यथार्थ भक्तों के बीच सिद्ध नजर आती है। हमारे बीच आज के दिन एक नए अतिथि के रूप में आचार्य श्री शिव शंकर कटारे जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो कि ददरऊआ धाम के पूर्व विद्यार्थी और वर्तमान में ददरऊआ धाम में अपनी सेवा देते हैं। क्या कुछ चमत्कार इन्होंने ददरऊआ धाम में देखा है और किस तरीके से ददरऊआ धाम की सेवा करके ये अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आज इनसे हम सबसे पहले जानेंगे। आचार्य जी विशेष निवेदन है, देश दुनिया के तमाम भक्त जुड़े हैं, क्या कुछ उपाय है ददरऊआ धाम में लाभ पाने का? तो क्या होता है, यहाँ बहुत से भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ भक्त बड़े दूर दूर से आते हैं, तो उन सभी से हमारा एक ही निवेदन है कि यहाँ आ कर के अपनी अर्जी को लगाएं, महाराज जी से झाड़ा लगवाएं और घर पे जा कर के यहाँ रुकने की। तो क्या होता है, दूर से भी आते हैं लोग बाग, तो यहाँ रुकने की क्या है? रुकने को लेकर लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ हैं कि 5 दिन हमें यहीं रुकें, 5 मंगलवार यहीं रुकें, तब परिक्रमा पूर्ण होगी। क्या कुछ है ये परिक्रमा का पूरा नियम? देखो क्या होता है, ऐसे पास में हो तो 5 मंगलवार करें, ऐसे दिल्ली से बम्बई से हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनको एक ही नियम करना चाहिए, यहाँ आकर के पहली बार आएं, अपनी अर्जी लगाएं और महाराज जी से आशीर्वाद लें, झाड़ा लगवाएं। मैं थोड़ी बात लंबी हो रही है लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, ये बहुत जानकारी से भरा हुआ वीडियो है। अर्जी कैसे लगाते हैं? यहाँ आकर के एक नारियल लें, महाराज जी से पढ़वाएं उस नारियल को, और उस नारियल को लेकर के 5 परिक्रमा पीपल की और हनुमान जी के सामने खड़े होकर के अपना नाम लेकर के। ऐसा होता है महाराज जी व्यस्त होते हैं, नारियल नहीं पढ़ पाएगा फिर? हाँ, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ पाए महाराज श्री ना हो तो भी अपनी एक नारियल लें, उसको लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी के सामने खड़े होकर के अपने जितने भी परेशानी, अपनी जो परेशानी है, जो अपने कष्ट है, जिस चीज़ के लिए अपन अर्जी लगा रहे हैं, जो बीमार है, जो किसके भी लिए अर्जी लगा रहे हैं, उसका नाम लें, बीमारी का नाम लें और हनुमान जी के सामने खड़े होकर के अपने ऊपर 7 बार उसार करके 7 परिक्रमा लगाएं पीपल की और हनुमान जी के चरणों में रख दें, ऐसे तो अर्जी लग जाती है। ये अर्जी की विधि हो गई, अर्जी के बाद क्या प्रक्रिया करना है? अर्जी के बाद आप आकर के महाराज श्री से मिलें, महाराज जी से आशीर्वाद लें और भभूति लें, जो महाराज जी नियम बताएं, जैसे किसी को कोई नियम बताते हैं, जैसे कैंसर है किसी को ट्यूमर है, किसी को कुछ है, तो अलग अलग नियम बताते हैं, नियम फॉलो करना है महाराज जी का। उसके बाद यहाँ का और क्या नियम है? यहाँ का यही नियम है, यहाँ आ करके अपनी अर्जी लगा करके घर पर जाएं और हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी की पूजा करें घर पर बैठ करके। एक और बहुत बड़ा सवाल लोगों का जो अक्सर बना रहता है लोगों की जुबान पर, लोग कॉल करते हैं तो भी पूछते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं, क्या ददरऊआ धाम आकर प्याज लहसुन छोड़ना होता है? देखो जब तक हनुमान जी महाराज के चरणों में आप लोग रहें और उनकी पूजा करें, लहसुन प्याज का नहीं खाना चाहिए उसको, जो बीमार है। और जो अर्जी लग जाती है तो उसके बाद लहसुन प्याज नहीं खाती। बहुत से लोग हैं अब खा लेते हैं, तो कहीं शराब को नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिलती है, और जो धूम्रपान करता है वो पीता है तो भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते। और महाराज श्री को यहाँ पर तो अभी से नहीं, 1980 से इसकी प्रक्रिया चल रही है धूम्रपान पर। महाराज जी हमारे बहुत वो करते हैं, कभी 2-3 जगह मीटिंग भी लगाई है कि दो चीज़ पर महाराज जी बहुत ध्यान देते हैं, एक बेटी। महाराज जी एक बात कहते हैं, गुटखा बीड़ी और तम्बाकू ये है तन मन के डाकू। देखो ये अभी से नहीं है, महाराज श्री के जब से महाराज जी ने हनुमान जी की आराधना की है, पूजा की है, तभी से ये महाराज जी का ये नारा है
गुटखा तम्बाकू और ये बीड़ी को छोड़ना है और बेटी को बचाना है और वृक्षों को बचाना है। ये महाराज श्री हमारे का शुरू से ही नियम चल रहा है और सभी लोग बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ आकर के सबसे ज़्यादा बेटियों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, और आचार्य जी ने बहुत विशेष बात हम सभी को बताई है। आज सभी से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आचार्य जी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, आप लोग सेम डे भी लौट सकते हैं, यानी जिस दिन ददरहुआ धाम आ रहे हैं उस दिन भी आप ददरहुआ धाम दर्शन करके वापस ग्वालियर स्टेशन, भिंड स्टेशन या फिर झांसी स्टेशन पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगलवार ही आना है, बहुत से लोग दूर दूर से महाराज जी के द्वारा ये बताया जाता है कि अर्जी के लिए विशेष मंगलवार मंगलवार है, मगर क्या है बहुत से लोग दूर से आते हैं, उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये अन्य दिनों भी, हाँ अन्य दिन भी आ सकते हैं और महाराज श्री भी मिलते हैं, सुबह 10 बजे तक महाराज श्री यहीं मिलते हैं पर डे। ये बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, आप सभी जुड़े रहिएगा ददरहुआ सरकार 1008 के माध्यम से। आप सभी को जय श्री राम।